डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, ये चारों शब्द आपस में कैसे रिलेटेड है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। डेटा फैक्ट्स एवं सिंबल्स का कलेक्शन है। यह नंबर्स, लेटर्स, पिक्चर्स, साउंड या वीडियो हो सकता है। डेटा अपने आप में मीनिंगलेस होता है, लेकिन जब इसे ऑर्गेनाइज और एनालाइज किया जाता है तो यह इंफॉर्मेशन बन जाता है। आइए इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक लाइब्रेरी में हैं। लाइब्रेरी में मौजूद सभी किताबें डेटा की तरह हैं, मतलब जिस तरह आप डेटा को सिर्फ देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, वैसे ही लाइब्रेरीज की किताबों को सिर्फ देखकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाली जा सकती। डेटा इंफॉर्मेशन का सोर्स है, क्योंकि जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ किताबों की प्रोसेसिंग का मतलब उन्हें पढ़ने से है, इसलिए इंफॉर्मेशन उन किताबों को पढ़ने से मिलने वाली जानकारी है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ मिलकर हमारे अंदर नॉलेज या ज्ञान को विकसित करती है। नॉलेज या ज्ञान किसी विषय या क्षेत्र की समझ होना है। यह किताबों, अनुभवों, शिक्षा इत्यादि से प्राप्त किया जा सकता है। विस्डम यानी कि बुद्धिमत्ता, नॉलेज को उपयोग करने की क्षमता है, जिससे बेहतर डिसीजंस लिए जा सके और जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। मान लीजिए कि हमने किसी को मेडिटेशन करते हुए देखा। यह हमारे लिए डेटा है, क्योंकि हम अभी ये नहीं जानते कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। फिर हमने मेडिटेशन के बारे में किताबें पढ़ी, वीडियोस देखे एवं किसी एक्सपर्ट की सलाह ली। इसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, जो हमने डेटा के बारे में प्रोसेसिंग करके प्राप्त की। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमको नॉलेज हुआ कि मेडिटेशन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन जब हम में विजडम या बुद्धिमत्ता आ जाएगी, तब हम नियमित रूप से मेडिटेशन करने लगेंगे, क्योंकि अब हम समझते हैं कि यह हमारे हेल्थ को बेहतर बनाएगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डेटा के बिना इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, इंफॉर्मेशन के बिना नॉलेज नहीं हो सकता और नॉलेज के बिना विजडम नहीं हो सकती। यह एक सीढ़ी की तरह है, जहां डेटा सबसे नीचे का पायदान है और विजडम सबसे ऊपर का। जैसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, हम नॉलेज और विजडम प्राप्त करते हैं। विजडम हमें बेहतर इंसान बनने और दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।